स्वागत है आपका अपने चैनल पर और हाजिर एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज हम पहुँचे हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम आए थे यहाँ पे बाला का किला देखने, लेकिन किले में काम होने की वजह से हम पहुँचे हैं मूसी रानी की छतरी देखने के लिए। यहाँ पर अंदर आ चुके हैं हम, दिखाते हैं आपको छतरी, मूसी रानी की छतरी। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये है वो आलीशान मूसी रानी की छतरी, ये देख सकते हैं मूसी रानी की छतरी। तो ये देखिए अदाकारी, अलवर का कोट, और कोट के ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगी मूसी रानी की छतरी। ये देखिए पर्यटन विभाग मूसी रानी की छतरी के नाम से यहाँ, ये देखिए 19वीं सेंचुरी में राजपूत बनवाई गई। ये देखिए यूज़ करके देख सकते हैं, यहाँ पे होगा इसका छतरी का। ये देखिए, ये देखिए मूसी महारानी छतरी के नाम पर प्रसिद्ध इस समारोह निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1874-1878 में अपने पिता महाराजा उनकी पत्नी मूसी रानी की स्मृति में महलों के पीछे सागर तट पर करवाया था। उन्होंने बनी हुई पुष्पा का कतलिन देख सकते हैं आप, और ये इंग्लिश में ये चलते हैं। ये देखिए ये नायब छतरी दिखाते हैं आपको ले जाके। ये देखिए छतरी का नज़ारा ये देख सकते हैं। ये देखिए संगमरमर बनी हुई है छतरी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए उसे छतरी, ये देखिए देख सकते हैं संगमरमर बनी हुई। ये देखिए, ये देखिए पहले की कली कलाकारी संगमरमर से। गाइस ये देखिए हमें इस छतरी के अंदर देख सकते हैं, ये इसके बना हुआ कुंड बाद देखेंगे। ये देखिए ये उस टाइम के बनाए हुए सबसे आकृति वाले गेट देख सकते हैं। ये देखिए ये है वो कलाकारी संगमरमर पत्थर की, ये देखिए इनके अंदर भी ये बनाए गए। ये देखिए हाथों से की गई उस टाइम की कलाकारी, ये देखिए देखिए। चलते लेके आपको ऊपर, देखिए संगमरमर की बनाई हुई ये इमारतें जो आज भी हमारी पुरानी दरबार के सामने, ये देखिए देख सकते हैं आप। देखिए चारों तरफ से एक की साइज की बनी हुई है, चौकोर है ये। देखिए लेके चलते हैं आपको ऊपर, ये देखिए हम चल रहे हैं ऊपर। तो ये देखिए गाइस ये है वो छतरी, ये देखिए इसमें बनी हुई संगमरमर की इमारत देख सकते हैं आप। ये हाथों की चित्रकारी उस सदी की, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए संगमरमर पत्थर की बनाई हुई, उस टाइम में ये पत्थर बहुत कीमती रहे हुए, आपको इनका कोई मोल नहीं है। ये देखिए सकते हैं आप, ये देखिए फूलों के आकार बना रखे हैं। ये देखिए फूलों के डिजाइन सेफ बनाता हुआ, और ये देखिए ये वहाँ पर बाला का किला है ऊपर। ये देखिए छतरी के, ये देखिए हर चीज़ पे कलाकारी दिखा रखी है, हर चीज़ पे संगमरमर के सभी। ये देखिए अब इसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये देखिए डिजाइन जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ये देखिए देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस ये देख सकते हैं आप, ये पूरा संगमरमर का है, इसके पेड़ भी संगमरमर के बने हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के तो गाइस, ये देखिए इसकी डिजाइनरी देख सकते हो आप, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। और ये जब संगमरमर का बना होगा तो कितना सुंदर बना होगा, अभी तो इसके बहुत ही, ये 19वीं सेंचुरी में बना हुआ है और 21वीं सेंचुरी चल रही है अब। और ये देखिए क्या उस टाइम ये संगमरमर का बना होगा जब ये पत्थर कितने चमकते होंगे दूर तक,
अब तो इनकी सफाई ना होने से देखिए कैसा मट्टी सी जम गई है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए पूरा संगमरमर का बना है, छतरी पूरे संगमरमर की है। तो चलते हैं ऊपर, अपने जूते यहीं उतार देते हैं। ये देखिए, ये देखिए संगमरमर की पूरी बनी हुई छतरी। ये देखिए, ये देखिए, वाह यार, ये चीज़ आज तक आपने नहीं देखी होगी। ये देखिए बनी हुई संगमरमर की, ये देखिए क्या कलाकारी है। उस टाइम की अद्भुत कलाकारी आपको, कलाकारी आज नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए चारों तरफ से एक समान है छतरी का साइज, लंबाई चौड़ाई एक जैसी है और सभी पे डिज़ाइन बनी हुई है अलग अलग किस्म की। ये देखिए, और ये फुब्बारा चल रहा है वहाँ पे, ये देखिए चलेंगे वहाँ पे भी। ये देखिए, ये है, ये देख सकते हैं आप छतरी। तो ये है वो फुब्बारा चलती हुई झील, ये आपके छतरी, और छतरी के बगल में ये देखिए फुब्बारा का ये अनोखा ही छोटी छोटी कई छतरी बनी हुई है। ये देखिए चार दो छः चार दस छतरी बनी हुई है यहाँ पे। ये देखिए पानी फव्वारे चलते हुए इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हुए। ये देखिए, ये देखिए, और यहीं पे ये ऊपर वो बाला का कुआ है जो फ़िलहाल काम चल रहा है, अगली वीडियो में आएगा अपने। ये देखिए वोटिंग भी है जो अभी फ़िलहाल बंद है, फव्वारे चल रहे हैं। और ये देखिए छतरी मुसी रानी की छतरी। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग लाते रहें। और काफ़ी किलो की वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट कर दिया करो भाई, अच्छे अच्छे वीडियो लेने वाला, अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं।